ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਟਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੱਤ ਨੇ ਫੇਕ मेरा नाम अमनदीप है। मैं पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन ललकार तो इतने अज पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर ते एक असी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी दी अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठिया होकर वो असी पी एस यू ललकार वालों मांग करते हैं भी यूनिवर्सिटी को केंद्रीकरण करने की जी मांग है वो बार बार चक्की जा रही है। हुण खास तौर पर इनू केंद्रीकरण करन दीआं हाई कोर्ट के थ्रू कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने जिहदे विच इस वेले सारा अध्यापक तबका चुप करके बैठा है ते विद्यार्थियों के असी यही गल है कि भी जदों यूनिवर्सिटी 82 च लाहौर च बनी वंड तो बाद असी इधर लैके आंदी इत्थों दे लोगों ने बनाई उदों भी लोगों ने बनाई उदों भी 66 दे विच जदों हरियाणा हिमाचल निकलिया उदों इन्हां ने आख्या सी भी जदों उन्हां दी यूनिवर्सिटीआं बन गईआं इहनूं पंजाब नूं दे दांगे पर दित्ता नहीं गया कदे भी। हुण इहनूं जाण बुझ के विच विचाले लमकाया होइआ 66 तो बाद तो हुण तक तो बनता ये हक पंजाब है तो इस यूनिवर्सिटी केंद्रीकरण कोशिशां बंद की जानी चाहिए केंद्र सरकार बंद करे वो जी केंद्रीकरण की धुस्सा जे सूबे के हकों उत्ते डाका मारन कोशिशां कर रही बंद करे तो इस यूनिवर्सिटी पंजाब के हवाले करे क्योंकि पंजाब का ही हक बनता है वो लोगों के वो भाषा वो खिते इतिहास के विकास के लिए इस यूनिवर्सिटी बनाया गया सी। तो इस वेले इत्थे जो RSS का संघी लाणा बैठा होया वा जो इत्थे बाकी सारे भी बैठे ने ज़्यादातर इस दे हक दे विच ने ते ओए प्रचार कर रहे हैं तो असी सीधा साफ स्पष्ट ये आखते हैं भी असी इस केंद्रीकरण का विरोध करांगे ते असी सारे लोगों भी इस गल ही अपील करते हैं भी ये लड़ाई कल्ले विद्यार्थियों की नहीं पहला साढ़े तो साढ़े पंजाबी बोलते खिते खोले साढ़े पानी खोले साढ़े चंडीगढ़ में भी लगभग इन्हें खोलिया हूँ यूनिवर्सिटी की वारी आ गई जे हूँ ना बोले तो बहुत जोड़े पंजाब के लोग ने वो बहुत कुछ गवा देंगे इस करके भी इस लड़ाई में लैके अज कैथे है तो 8 जून में मोहाली अंब साहब विखे एक व्डा धरना पंजाब दिन नौ जथेबंदियों वालों किया जा रहा तो असं लोगों को अपील करा भी वो तो गिणती 8 जून में सवेरे 11 बजे अंब साहब गुरुद्वारे के बहर जोड़ा ग्राउंड है उत्थे आप पहुँच के इस केंद्रीकरण के खिलाफ तो पंजाब सरकार का पूरा हक बहाल करवाने यूनिवर्सिटी के बच्चों धरना दे यह दावा किया जाता ना भी यूनिवर्सिटी जो केंद्र के हाथ चाहिए तो लाभ ने उन्होंने लगता भी ग्रांटा वाद आ जाएगी यूनिवर्सिटी का स्टेटस वधिया होजू ये सारिया झूठिया गल् ने असियाँ परचा है विद्यार्थियों के लैके जा रहे हैं भी किड्डे व्डे गप्पे के रोड़े गए हैं। केंद्रीय यूनिवर्सिटियां 45 ने उन्होंने किन्या के नाम पता थोनू JNU का नाम पता जामिया का नाम पता DU का नाम पता सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बठिंडा का वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वह स्टेटस चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी नालों वध है कितने वो तो केंद्रीय है ना जे तुहानू लगता भी वो स्टेटस वध जाता ग्रांटा की गल आ ये तो केंद्र सरकार आप मन चुकी है भी असी तो हुण ग्रांटा देनिया बंद कर देनिया हर तरह की फंडिंग नू रिसर्च नू असी UGC नू भंग करना इहदी थां ते HECI लैके आना हेकी वो कह रहे ने भी इहदे विच ग्रांटा नहीं दिया करनी यूनिवर्सिटियां नू असी उन्हां नू लोन दिया करांगे यूनिवर्सिटियां नू ताकि वह लोन लैके रिसर्च दे काम करन लोन लैके आपदा सारा काम करन ते यूनिवर्सिटियां वापस करन इस करके ये जिहड़ा झूठ बोलिया जा रहा भी इहदे नाल इहदा स्टेटस वधजू इहदे नाल ग्रांटा आ जाणगी इहदे नाल फीसां घटणगियां IIT सेंट्रल यूनिवर्सिटियां ने IIT की फीस 3.5 लाख है साल की जे सरकार को एड्डा ही पैसा इन्ना ही लाना चाहती है तो सिक्ख्या के उत्ते बजट का सिर्फ 1.5% क्यों खर्चती है वो उत्ते खर्चे 10% खर्चना चाहिए तो यह जी इंस्टीट्यूट ने उत्ते फ्री करे एजुकेशन इस करके सारे गप ने जोड़े सेंट्रलाइजेशन के हक के बोलने वाले लोगों वालों असी खंडन ये पूरे किया भी कि घाटा फैकल्टी किन्नी ज़्यादा पोस्टा खाली पईआं ने सारिया सेंट्रल यूनिवर्सिटियां कि माड़ा हाल है इस करके जाण बुझ के जिहड़े झूठ आ इन्हां नूं नहीं लोगों के लैके आना चाहिए कि पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन ललकार वालों यह पूरा जिवें सारे विद्यार्थियों के यही गल प्रचार ने भी असीं कल्ले केंद्रीकरण के विरुद्ध नहीं बहुत सारिया जथेबंदियां ने जिहड़ियां आखदियां ने भी केंद्रीकरण तो ना होवे पर इहनूं पंजाब नूं भी ना दो जे हक पंजाब दा बनदा तां क्यों नहीं मिलनी चाहिए असीं तां कश्मीरियां दे हक च भी बोलने तां सारियां जिहड़ियां कौमां ने जिहड़े लोग ने वसदे अड्ड-अड्ड खित्तियां दे उन्हां सारिआं दे हक्कां दे लई बोलदे आ ते केंद्रीकरण की जिहड़ी नीति है भी असी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बनाउणा इक्को धर्म इक्को भाषा इक्को पछाण होनी चाहिए पूरे मुल्क दे विच असी उहदे खिलाफ अज्ज आवाज़ चक रहे हैं तो जे यह नहीं लागू हुंदा जे ये केंद्र सरकार दी कोशिशां तो बाज नहीं आउंदी जे पंजाब सरकार हफ्ता हो गया चुप बैठी है जे आने वाले समय च भी इसे तरह चुप्पी धारी रही तो इहनूं संघर्ष नूं तिखा किया जाऊगा जिवें मैं पहलां भी जिक्र किया भी 8 जून में एक संकेतक धरना पंजाब दीआं जथेबंदियां मिल के मोहाली विखे कर रही ने तो जे इन्हां दीआं कोशिशां तो यह ना बाज आए तो एक वड्डा धरना जिहड़ा वा
होर वड्डे पद्धर दे उत्ते पंजाब दे समूह हितैषियां दे नाल मिल के एक वड्डा धरना जिहड़ा आने वाले समय दे विच लिखे इहनूं संघर्ष नूं होर तिखा कीता जाऊगा। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੁੱਸ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਐਫੀਲੀਏਟਡ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 'ਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਸਹਿਤ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।